उद्धव ठाकरे के खासम खास संजय राउत की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए संजय राउत को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 19 सितंबर कर दी। मतलब संजय राउत 19 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे, उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वह जमानत हासिल कर ही लेंगे। मुंबई के पात्राजाल घोटाले में फंसे संजय राउत को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत में रहने के बाद राउत को 8 अगस्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। धन शोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एमजी देश पांडे ने राउत की हिरासत अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी। ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में उसकी जांच अब भी जारी है। ईडी की जांच पात्राचाल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी तथा सहयोगियों से संबंध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। मुंबई के पात्राचाल मामले में जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राउत को अपने सह आरोपी प्रवीण राउत से कांदिवली में पात्राचाल की पुनर्विकास परियोजना से अपराध की आय प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया था कि राउत के परिवार को 1.6 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में मिले थे और बाद में दावा किया कि 2.25 करोड़ रुपए के नए निशान का पता चला था, लेकिन राउत ने आरोपों से इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।